सदर मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीबुल्लाह अलहाज बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब, जिला सदर सेक्रेटरी जनाब अफसर साहब, जनाब मौलाना लोगान नदवी साहब, जनाब अदील अलवी साहब, जनाब जावेद सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी जौनपुर, जनाब शकीरुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी जौनपुर, जनाब दिलराज बाबू एडवोकेट साहब जनरल सेक्रेटरी जौनपुर, जनाब अयाज अहमद साहब सेक्रेटरी जौनपुर, जनाब कमालुद्दीन साहब, जनाब अतीक साहब, जनाब असद साहब, जनाब महाज खान साहब, जनाब अमलेश साहब अकबर, जनाब नसीम अहमद साहब, जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब, जनाब कामरान अहमद, जनाब आशिक शेख साहब, और यहाँ पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हमारे जिला परिषद जनाब कमालुद्दीन साहब, भाई साहब आप लोग जितना आप लोग इसके कमालुद्दीन साहब, और मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि 2022 का इलेक्शन बहुत करीब है, तमाम सियासी पार्टियां मैदान में हैं, गठबंधन का भी दौर चल रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है, मुस्लिम पर इल्जाम भी आयद किए जा रहे हैं, खास करके वो इल्जाम लगाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है, वो समाजवादी बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी के काम करने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करते हैं, और हमारे कायद बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब को बीजेपी की भी टीम कहते हैं। सुन लो, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज और कांग्रेस के मुस्लिम चपरासियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकज है वो दारुस्सलाम हैदराबाद में है, और वो तेलंगाना स्टेट है, और 1960 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में पहला इलेक्शन लड़ा था, और हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तक तेलंगाना स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को पनपने नहीं दिया है। अगर हम बीजेपी की भी टीम होते तो सबसे पहले तेलंगाना स्टेट में बीजेपी की हुकूमत बनती, और छोड़ो समाजवादी पार्टी के चपरासियों, 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन नहीं लड़ा था पार्लियामेंट का, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, यही मुसलमान लड्डू बांट रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, लोग ये सोचते थे कि जिसको टिकट मिल जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। यकीनन उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस गठबंधन की तारीफ की थी, और उस गठबंधन को वोट देने की अपील भी हम लोगों ने किया था, हम लोग मुसलमानों ने, हमारी पार्टी के वर्करों ने पूरी मजबूती के साथ सपा गठबंधन को वोट कराया। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अरे तुम अपने नाकारेपन को हम पर इल्जाम लगाते हो, ये बीजेपी की जीत नहीं है, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का नाकारापन है जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमसे कहा गया कि आप क्यों आए उत्तर प्रदेश में, मजलिस क्यों नहीं आना चाहिए था, तो सुन लो मेरे काम के भाइयों, नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश को लाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश से चल करके एक लीडरशिप की तलाश में 1400 किलोमीटर का सफर करके हम दारुस्सलाम की चौखट पर पहुंच गए और हमने अपने कायद से मुलाकात की। और क्यों गए? हम ना जाते, हम ना जाते अगर मुजफ्फरनगर का दंगा ना होता, हम ना जाते अगर खाली मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में ना मारा जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जो वादा समाजवादी ने किया था उसको पूरा किया होता। अगर ये काम समाजवादी ने हमारे साथ किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे साथ मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में ना इंसाफिया हुई। जब हमने उस चीज को देखा, आप जानते हैं मुझे, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, मैं किसी सियासतदान का बेटा नहीं था। मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी जिंदगी में जो सबसे छोटा इलेक्शन गांव के अंदर प्रधानी में मेंबरी का होता है वो भी नहीं लड़े थे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम नहीं जो जुल्म हमारी कौम पर हो रहा था, जो नाइंसाफी हमारी कौम के साथ हो रही थी, हमने देखा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लीडर ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश की भी आवाज करता है, जो उत्तर प्रदेश की भी आवाज बनता है। पार्लियामेंट के अंदर एक लीडर ऐसा है जो मजलूमों की आवाज बनता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी भी वोट नहीं डाला था। 2013 के पहले भी हमने यूट्यूब पर देखा बैरिस्टर ओवैसी साहब आजमगढ़ के मुसलमानों की बात हैदराबाद और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करते थे। जौनपुर और उत्तर प्रदेश की बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करते थे। जिन्हें हमने वोट डाला, जिसे अपनी पार्टी समझा, हमने तो कभी अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, हमने तो उन्हें भी अपना लीडर बना लिया। जो कौम आधा लीटर में आधा लीटर पानी में मिलाती है उसको भी अपना नेता मान लिया। हमने मिलावटखोरों को अपना कायद बना लिया। मुलायम सिंह यादव का नारा लगाया, मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा गया, मुसलमानों ने 20% और 7% यादवों को दिया। आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शोभा है, कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है, आज उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा थाना है जहां यादव का बेटा नहीं, मुसलमानों आपका बेटा कहा। सरकारी नौकरियां आपके घरों में नहीं है, ना इंसाफिया आपके साथ है, आपके इलाके में अच्छे स्कूल नहीं है, आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है, आपके बच्चे जेल की सलाखों में है। 14% देश के अंदर हमारी आबादी और जेल की सलाखों में 27% हमारी आबादी, ये ना इंसाफी नहीं तो क्या है? इसी ना इंसाफी के खिलाफ अगर हमारे लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है तो ये लोग कहते हैं खुश तुम बीजेपी की भी टीम हो। अरे हमें बीजेपी की भी टीम कहने वालों, आज यादव समाज को तो इंसाफ मिला, यादव समाज की तो लिंची नहीं हो रही है, यादव समाज को जेल के अंदर नहीं है। लेकिन आज ना इंसाफी किसी के साथ, अन्याय किसी के साथ हो रहा है, तो यकीनन कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ हो रहा है। है मेरे कौम के लोगों, है मेरे कौम के नौजवानों, मेरी बात को गौर से सुन लो। है इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक तबका ऐसा था दलितों का जो मुसलमानों से ज्यादा मजलूम था, वंचित था, शोषित था, उसे भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। जबकि 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC ST का बैठा रहता था, क्योंकि वो सीटें रिजर्व थी, सुरक्षित थी। बावजूद उसके क्या जरूरत पड़ गई मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करना।
मांगलर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तब जाकर के उनके समाज को इंसाफ मिला, वरना इंसाफ नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हो कि सियासत समाजवादी के प्लेटफॉर्म पे रह करके अपने कौम की आवाज बन सकते हो, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में शरीयत में जब मुदाखलत हो रही थी तो 23 एमपी थे, लेकिन 23 एमपी में एक एमपी ने बोला था, जिस एमपी का नाम भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब है। राजनीति पर जब बिल लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, सपा बसपा कांग्रेस सब खामोश थे। कौन बोला, किसने बोला था? नरेंद्र मोदी की आंखों में आके डाल करके अगर कोई बात करता है तो वो अखिलेश यादव नहीं है, वो बीएसपी का कोई एमपी नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब फैज असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमको बीजेपी की भी टीम कहने वालों सुन लो, मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला है। अगर कौन इस कौम के रहनुमा के ऊपर, इस कौम के कायद के ऊपर, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पर टोपी है, जो पांच वक्त का नमाजी है, अगर उस पर तुम ये इल्जाम लगा रहे हो, तो वो इल्जाम एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आन बान शान अगर कोई है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अच्छा आप बताइए कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अखिलेश यादव है, नहीं है ना? सबसे खूबसूरत है, सबसे ज्यादा हाई किसकी है, और सबसे अच्छी नाक और सीधी नाक किसकी है? तेरी नाक किसकी है? अरे इतना खूबसूरत, इतना काबिल मेरा सौदा में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने बेस्ट पार्लियामेंटियन का आवाज दिया था। ये काबिलियत है, ये खौफ है समाजवादी बीएसपी कांग्रेस को। अच्छा एक साहब के मालूम है आपको, एक तो पीर के चाचा आए थे हम लोगों के साथ,